Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Tell you, the adjoining figure shows a cuboidal block of wood through which a circular cylindrical hole of the biggest size is drilled. Find the volume of the wood left in the block. तो देखिए यहां पर एक क्यूबॉइड है, जो ब्लैक कलर से है वो क्यूबॉइड है, जो रेड कलर से है वो एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर है वो एक्चुअली में एक होल है, मतलब वहां वहां पर जो वुड है वो कट करके हटा दी गई है। तो ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, एक ऐसा, मतलब इस साइड से अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर शेप का यहां पर आपको ब्लॉक दिखाई देगा और इसके अंदर होल कटा होगा, यानी कि इसके थ्रू आप देखेंगे तो उस पार्ट भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये पार्ट जो है वो जितना मैं ब्लैक से भर रहा हूं ये पार्ट वुडन होगा, इस तरह ये दिखाई देगा। अब यहां पर आपको डायमेंशन ये 70 दी गई है, ये 30 दी गई है और ये भी 30 दी गई है, बस करना कुछ नहीं है हम लोग को। तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ कट आउट सिलेंडर, मतलब जितना सिलेंडर काट के बाहर निकाल लिया गया है वो हम माइनस कर देंगे क्यूबॉइडल ब्लॉक के वॉल्यूम से। तो हम लोग क्या जानते हैं, एल बी एच माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी एच लिए ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ओके एल, चलिए देखिए यहां पे पाई आर स्क्वायर एच हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए जो सिलेंडर की हाइट है वो क्यूबॉइड की लेंथ के बराबर है, तो हम लोग यहां पर 70 जो लिखेंगे वो एक्चुअली क्यूबॉइड की लेंथ के बराबर है और सिलेंडर की हाइट के बराबर है, तो हम लोग यहां पे एच जरूर लिख रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हमें यहां पर पाई आर स्क्वायर एल लिखना चाहिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, जो आपके नोटेशन है वो जरूर मेंशन करिए, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट यहां पे इसको बोल रहे हैं ऑफ क्यूबॉइड, आप आराम से इसको भी हाइट बोल सकते हो, इसको लेंथ, इसको ब्रेथ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप गलती ये ना कर दें कि पाई आर स्क्वायर एच करने के चक्कर में 70 यहां पे ना लिखें। फिर आर रेडियस ऑफ सिलेंडर और एल लेंथ ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं यहां पे, या एल को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर इसको पूरा खड़ा कर देते तो ऐसे हो जाता ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब हमारे पास एल 70 है, बी 30 है, एच 30 है, लेकिन आर आपका डाउट हो सकता है कि कितना होगा, तो आर जो होगा वो 30 का आधा होगा, आर इज इक्वल टू B बाई टू इज इक्वल टू 30/2 सेंटीमीटर, तो 30/2 कर रहे हैं, 30/2 करने से थोड़ा फायदा होगा, आप 15 भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में आप इस एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेशन पूरी करके दिखाऊंगा, ज्यादातर मतलब मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कोशिश करूंगा कि दिखे, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि यहां पर आंसर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है काफी बच्चों के लिए, तो वहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। एल है आपके पास 70, बी है आपका 30, एच है 30 और सारी जो डायमेंशन है वो आपको दी गई है सेंटीमीटर में, तो वो भी ध्यान रखिएगा।
पाई, पाई है 22/7, आर है 30/2 का होल स्क्वायर, और एल कितना है, एल फिर से है 17, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या, यहां देखिए 30 into 30, यहां भी 30 into 30, एक बार और करते लेते हैं, 70 into 30 square minus 22/7 into 30 square divided by 2 into 2, 70। तो यहां फायदा ये हो रहा है, देखिए 70 into 30 square आप कॉमन ले सकते हैं, एक इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 11 हो जाएगा, 70 into 30 square 1 minus कितना हो जाएगा, 11/14, ये फायदा हो रहा है यहां पे, है ना। कैसे हम लोगों ने 70 into 30 square यहां कॉमन ले लिया, तो इसकी वजह से यहां मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, 70 into 30 square यहां है, 2 को हमने काटा यहां पे 11 ऊपर आ गया, 7 into 2 नीचे आ गया 40, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी भी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है, देख रहे हैं आप, कहीं पे भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, केवल कॉमन वॉमन लेकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। 14 में से 11 गया तो 3/14 हो जाएगा, अब आप काट दीजिए यहां पे 5 आ जाएगा, एक तरीके से 5 into 3 15 into 30 square होता है 900, यही आपको कैलकुलेट करना है, और ये आ जाएगा 135 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड है जो कि आपसे डिजायर्ड था। तो देखिए कैलकुलेशन यहां पे इस तरह हो रही है, मैंने कहीं पे भी मल्टीप्लाई किया ही नहीं, जितना है वो अवॉइड किया। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। देखिए हम लोग के पास यहां सवाल आ रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर शूज अ सॉलिड ग्लास ट्रॉफी, मतलब ये हमारी ट्रॉफी है, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ग्लास कॉस्ट 0.75 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ ट्रॉफी। तो ये भी 28 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब नीचे एक क्यूब है, ऊपर एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर है उसका डायमीटर भी इसके बराबर ही है, पूरा फिगर आपको दिया हुआ है सवाल में, और 28 इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये अच्छा एक शेप बनाया गया, काफी सिमेट्रिक सा, और इसे एक ट्रॉफी का फॉर्म दिया है, हमें इसका कॉस्ट ऑफ ग्लास मेकिंग कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, यहां से हमें हिंट मिल गया। तो यूजुअल नोटेशन से लिख देते हैं, एल बी एच ये दोनों ही क्या है, इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, क्या चीज है, साइड ऑफ क्यूब, एनी क्यूब, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, ये तीनों 28 है क्यूब के बारे में अगर हम लोग बोले, और रेडियस आर, रेडियस ऑफ बल्कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना है, देखिए पूरा डायमीटर तो हमारे पास 28 चल के आ रहा है यहां पे, इसका आधा कितना हो जाएगा, रेडियस, दिस इज रेडियस आर, तो आर इज इक्वल टू 28/2, यानी कि आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आ रहा है हम लोग के पास रेडियस, अब जब आ गया तो हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एल बी एच सबकी जगह हम लोग इज इक्वल टू ए लिख देते हैं, ए मान लो साइड ऑफ मतलब क्यूब की साइड है ना, तो ए इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर ये दी हुई है हमें, एच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग यूज करने वाले हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, वॉल्यूम ऑफ, देखिए ट्रॉफी पहले हम लोग लिख देते हैं, ओके,
स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने सारे जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज किए हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस हमारे हैं एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन, वो सब प्लेलिस्ट में अरेंज है। अपनी मर्जी का चैप्टर सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी क्या आ जाएगा भाई? पहले क्यूब और फिर चलो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां पे कुछ माइनस माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि सब कुछ ऐड ही है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, वो यूजुअल नोटेशंस हैं। ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, आर और एच यहां से मिल जाएंगे। पाई हमें पता ही है कि हमें लेना है 22/7। कितना लेना है? 22/7। तो सारी वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज क्या है? ए है आपका 28 क्यूब प्लस 22/7। आर कितना है आपका? 14 इंटू और एच कितना है? 28। ठीक है। तो अब एक तरीके से देखिए हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी वैल्यूज बच्चों अगर कॉपी कॉमन ले ले तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप यहां पर 2 से काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काफी अपना काम बन जाएगा, लेकिन फिर 22 को मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करना काफी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा करिए कि सब मिला के आपको बड़ा भले बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़े क्योंकि एड हो रहा है, लेकिन एक ही बार मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो देखिए 28 स्क्वायर इंटू 28 लिख रहा हूं मैं, ये काट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मन कर रहा होगा आपका। लेकिन 14 इंटू 2 फिर 28 आ गया, तो यहां से हमें मिल गया 22 इंटू 28 स्क्वायर। है देखिए बढ़िया। तो अब एक तरीके से ये कितना हो गया, 28 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 28 यहां आ गया और 22 यहां आ गया। अब आपको 28 स्क्वायर अगर नहीं आ जाए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, काफी बच्चों को याद भी रहता है, 784 होता है, ये मल्टीप्लाइड बाई 50 हो गया। तो ये आ जा रहा है कितना, 39200 cm³, है ना। अब कॉस्ट ऑफ ग्लास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ ग्लास है वॉल्यूम ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट आपको दिया हुआ है कि भाई 1 क्यूबिक जो है वो 0.75 को भी आप 3/4 समझिएगा, है ना, 39200 cm³ मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, ₹0.75 per cm³। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो रुपीज में अपना आंसर आ जाएगा 39200 × 3/4। अब 4 कैंसिल कर देगा यहां पे, मतलब 0 2 0 किनारे हैं, सब कुछ आप मल्टीप्लाई करिए। दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ₹29400। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी कैलकुलेशन में अगर एक जगह ये है 28 स्क्वायर हमें आना चाहिए, अगर आता है तो जल्दी हो जाएगा, इधर हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कम मल्टीप्लाई करके हम लोग जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई कब किया? इधर किया, और एक तरीके से मल्टीप्लाई हमने इधर किया, बस दो बार, क्योंकि दो पार्ट भी है, एक बार वॉल्यूम निकालना है, एक बार कॉस्ट ऑफ ग्लास निकालना है, तो दो बार मल्टीप्लाई किया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसे अगर आप 28 × 28 करते, 784 आता, फिर 784 में 28 का मल्टीप्लाई करते, फिर एक बड़ा नंबर आता, फिर यहां पे भी आप मान लीजिए 44 आपके इंट्यूटिव है कर लेते हैं, फिर 44 के बाद 14 मल्टीप्लाई करते, फिर 28 मल्टीप्लाई करते, तो बहुत बार मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता और कहीं ना कहीं गलत हो जाता और आपका आंसर नहीं आता।
आप जरा कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हर बार आपका मतलब आंसर अगर सही आ रहा है तो कैसा आ रहा है, और अगर गलत आ रहा है तो आपने कहाँ गलती की थी और आपका आंसर क्या आ रहा था वो जरूर कमेंट्स में बताइए। और ये आ रहा था तो कोई बात ही नहीं भाई, आप जीनियस है। स्टूडेंट्स आप नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, हम पेन एंड पेपर से सॉल्व करके उसकी फोटो खींचकर आपको आंसर रिवर्ट कर देंगे। अगर हमें ये लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, तो हम उस क्वेश्चन पर वीडियो भी बनाएंगे। जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपकी नाम और लोकेशन को मेंशन करेंगे। चलिए, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, मतलब एक एज 14 है, ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज का कोन कार्व आउट किया गया है तो आपको बताना है कि जो बचा हुआ मटेरियल है वो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कोन इसी तरह बनाया जा सकता है कि स्क्वायर बेस में एक सर्कल बना लिया जाए और ऊपर जो इस कोन का एपेक्स है वो ऊपर वाले फेस के मिड पॉइंट पे होना चाहिए, यानी जहां पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे उसके मिड पॉइंट पर कोन का एपेक्स होना चाहिए और नीचे वाले फेस में कोन का पूरा सर्कल फिट हो जाना चाहिए, बेस एरिया सर्कुलर जो है वो पूरा फिट हो जाना चाहिए। ऐसे ही केस में सबसे बड़े से बड़ा कोन फॉर्म हम कर पाएंगे। इस सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अगर ये 14 है तो ये जो सर्कल का डायमीटर है वो भी 14 होगा, तो वो जो आर रेडियस ऑफ कोन है वो हम लोग लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल टू 14/2, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जितनी इस क्यूब की हाइट होगी उतना ही इस कोन की हाइट भी होगी, तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 होनी चाहिए, 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो क्यूब की डायमेंशन कर रहे हैं, साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, चलो बोल रहे हैं लोग, एज ऑफ क्यूब a इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये तो है ही, ये पता ही है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल क्या हो रहा है कि ये जो क्यूब है उसको पूरा हटा दिया जाएगा, केवल रेड पार्ट ही बचेगा और फाइनल कोन आपको मिलेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल, मतलब क्यूब अगर से एक कोन निकाल दिया गया तो जो फेंक दिया गया है या बचा हुआ मटेरियल है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। अब देखिए a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7 क्यूब, ठीक है, 1/3, ओके, a की वैल्यू 7 नहीं, a की वैल्यू 14 है क्योंकि a इज द एज ऑफ द क्यूब, और पाई बाय 7, r की वैल्यू है 7, 7² इंटू h की वैल्यू दोबारा से है कितनी, 14, 7 कैंसल हो जाएगा, 1 7 कम हो जाएगा, यहाँ 7² है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14 क्यूब
minus 1 by 3 into 22 into 7 into 14. अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 स्क्वायर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं 14 बना सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 14 क्यूब माइनस 22 बाय 3 इंटू, अच्छा 22 बाय 3 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ कि 22 को 11 और 2 में ब्रेक कर दे रहा हूँ, इसलिए ताकि मुझे यहाँ पे 14 मिल जाए, तो 11 इंटू 2, 22 टूट जाएगा, एक 11 और एक 2 में, तो 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 14। इससे थोड़ा फायदा होने वाला है हम लोग को, 14 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया है ना, कॉमन ले लिया 14 स्क्वायर, यहाँ पे भी 14 स्क्वायर है हमारे पास, और ये 14 माइनस 11 बाय 3 है, 14 स्क्वायर बना रहने दीजिए, और अंदर मल्टीप्लाई में आपके पास देखिए 14 थ्री जा 42, 42 में 11 जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 31 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई करने को नहीं बचा है, 196 इंटू 31 करिए, 3 से डिवाइड करिए, 196 इंटू 31 करेंगे तो क्या होगा, 6076 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, मतलब यार इस स्टेप में अब फाइनली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2025 1 बाय 3 और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। ऐसे करने में देखिए लग रहा है कि हम लोग ज्यादा स्टेप ले रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन देखिए कोई रफ वर्क नहीं कर, रफ वर्क यहाँ पे केवल इतना ही है, 196 मल्टीप्लाइड बाई 31 आ जाता है 6760 है ना, तो ये ही आपका रफ वर्क है, ये आप कर सकते हैं, आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बट बार 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 अगर आप मान लीजिए यहाँ 22 से 3 को डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन में डील करते रहते हैं, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, तो 14 स्क्वायर याद होता है काफी बच्चों को, 20 तक तो बच्चे याद करते हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 28 का स्क्वायर भी आपको बोला था याद कर लीजिए, एटलीस्ट 20 तक आपको याद है तो अच्छा है, 30 तक स्क्वायर्स कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, तो 2025 होल 1 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बच्चों सारे जो वीडियो हैं हमारे वो प्लेलिस्ट लिंक में मेंशन्ड हैं, आप जाकर वहां ढूंढ लीजिए और अपनी मर्जी का चैप्टर सॉल्व करिए। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू आईआईटीएंस। अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। बिल्कुल इसके पहले भी प्लेलिस्ट में हमारे एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ऊपर जाकर, और वहां पर क्या था कि यह क्यूबॉइड है, बस उधर फर्क यह था कि क्यूब था, है ना, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देना है तो रिमेनिंग वुड आपको आ जाएगा। फिर से जो भी बातें हमारा रॉ मटेरियल है वो लिख लेते हैं, पहले कोन की बात कर लेते हैं, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है भाई, हाइट ऑफ कोन जो होगी वो इक्वल है किसके, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, है ना, तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या है r, r यहां है, r कितना है 10 का आधा है, 10 इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड 10 विल बी द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है या रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी ये रेडियस जो है ये इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 बाय 2 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो भाई कोन की सारी चीजें हो गई, फिर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड,
लेंथ एल बी एच है ना, तो एल हम लोग इसको मान रहे हैं यहां पर 10, क्योंकि हाइट एच इसको लिया है ना 10 सेंटीमीटर, बी भी क्या है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर बेस है अपना और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हाइट और ये हाइट एक ही है, दिस इज दी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज दी हाइट ऑफ द कोन। चलिए इतना रॉ मटेरियल हमारे पास, ये डायग्राम है, सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है और उसके बाद अब हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है भाई, कहां तक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल बी एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल कितना है 10 × 10 × 20 वही 20 × 10 एक ही बात है और 1/3। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पाई को 3.14 लेना है, तो उससे थोड़ा फायदा होता है क्योंकि 7 टाइप की कोई डायमेंशन है नहीं 7 या 14, तो इसलिए पाई 3.14 लीजिए आपको आराम रहेगा। 3.14 आर क्या है, आर हमारे पास है 5 स्क्वायर, एच हमारे पास क्या है एच इस वाले एच को देखेंगे 20, ठीक है भाई, तो ये मतलब चलिए अब यहां पर कुछ कॉमन हो सकता है नहीं हो सकता है देखते हैं। 10 × 10 × 20 अब देखिए 1/3 × 3.14 × देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 5 × 5 × 20, तो एक तरीके से ये 100 हो जाएगा, ये इसके 2 डेसिमल खा जाएगा, इसका हम लोग फायदा यहां पर उठा सकते हैं। यहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई यहां पे आपने कॉमन क्यों नहीं लिया, तो अगर आप कॉमन लेंगे तो 3.14 को फिर 3 से डिवाइड करना वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो 10 × 10 × 20 − 1/3 × तो इसको हमने 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 × 5 10 × 10 × 20 ये जो है ये एक्चुअली कितना है 2000 है, तो इसको 2000 कर ही लेते हैं यहाँ पे है ना, बार बार ऐसे चल रहा है। 2000 × 3 क्या हो जाएगा 6000, अब 314 × 5 कितना हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 3, अब 6000 में से 1570 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 4430 और डिवाइड बाई 3, तो चलता ही रहेगा। अब इसको आपको पहली बार डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, वो आप कर सकते हैं, मतलब देख रहे हैं कि 4500 के आसपास यानी 1500 के आसपास आंसर आएगा, तो 1476 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस शुड बी द आंसर, और ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, जो बची हुई वुड है उसका वॉल्यूम ये है, या वेस्टेड वुड भी लिख सकता है कभी, तो वो आंसर हमारे सामने है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 ग्लास स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ रेडियस बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वॉटर एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर फिल्ड इन द बॉक्स। देखिए क्या हो रहा है कि एक टब टाइप का है जो क्यूबॉइड वाला है, उसमें पानी भरा जा सकता है, क्यूबॉइड शेप है टब का, उसमें आप पानी भर सकते हैं, उस टब की डायमेंशंस आपको पूरी दे रखी हैं, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें छोटे छोटे अगर 2 सेंटीमीटर है तो देखिए 2 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर से काफी कम है,
602 सेंटीमीटर के इसमें जो रेडियस है ऐसे खूब सारे बॉल्स इसमें डाल दिए गए। कितने डाल दिए गए सब तो नहीं बनाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय 16 लिख दूंगा, 16 बॉल्स ऐसी डाल दी गई हैं, उन्हें स्पीयर बोल रहे हैं बॉल्स को। अब उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, वॉटर फिल कर रहे हैं। वॉटर फिल कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम लोगों को ब्लू कलर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है तो वाटर में फिल कर लेता हूं। अब ये 16 बार बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो वाटर आपको दिखाई जो देगा वो थोड़ा कम दिखाई देगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ 16 स्पीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, हम लोग ऐसी बात कह सकते हैं। बट पहले हम लोग अपने कन्वेंशन लिख लेते हैं। तीन चीजें हैं, वाटर है और स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है बल्कि, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स है। सबको हम लोगों का वॉल्यूम में डील करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर आर इज इक्वल टू कितना है भाई, दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां पे सारी चर्चा क्यूबॉइडल बॉक्स की हो रही है, तो यहां पे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हो जाएगा और हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हो जाएगी। अब इतनी बातों के साथ हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 16, बल्कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। असली बात ये है ना भाई, टब में ही तो सब कुछ रखा है, टब क्यूबॉइडल है, टब के अंदर पहले स्फीयर डाले तो कुछ वॉल्यूम घेर लिया गया, फिर उसके ऊपर पानी डाला गया तो और पूरा वॉल्यूम भर गया। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, हम इसे वी वाटर लिख सकते हैं, और यहां पर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जो है 16 × 4/3 πr³ ऐसा लिखेंगे, क्योंकि 16 स्फीयर है इस तरह के, 16 बार ये वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LbH, यानी कि V वाटर क्या हो जाएगा, LbH माइनस ये पार्ट। तो दिस इंप्लाइज V वाटर इज इक्वल टू LbH माइनस 16 × 4/3 πr³। चलिए अब यूजुअल नोटेशंस जो हैं, उन सब की वैल्यूज यहां पे लिखी भी हुई हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां तक तो हमारा डायग्राम और रॉ मटेरियल था, यहां से हमने फॉर्मूला जनरेट किया, फॉर्मूला जनरेट करने के बाद हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। यही आपका बच्चों एग्जाम में स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से रखें, जो भी वैल्यूज की आगे जरूरत है उन्हें लिख डालें, फिर फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला बनाने के बाद सारी वैल्यूज प्लग इन करें, प्लग इन करने के बाद आंसर लिख दें, बस। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी इस वाली एक्सरसाइज में। काफी अच्छे सवाल हैं, कैलकुलेशन है अच्छी खासी, तो बहुत ध्यान से करिए, धीरे धीरे करिए, जंप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए कि हाँ कैसे कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चों आप लोग की बहुत बुरी आदत होती है कि आप बस सोच लेते हैं कि अरे ये हो जाएगा, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, सबके पास मोबाइल है आजकल, तुरंत आप वैल्यू आपने पुट की, पीछे आंसर देखा, हाँ हाँ जो कैलकुलेटर में आ रहा है वही पीछे बुक में आ रहा है। बट ये बच्चों आपका आंसर थोड़ी ना आया, ये तो कैलकुलेटर का आंसर आया,
आप देखिए कि आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के दो बार तीन बार चार बार में वो अपने आप सॉल्व करके ला पा रहे हैं या नहीं, तब वो फुल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बन पाएगा। अभी तक जो पुरानी वाली एक्सरसाइजेस थी, क्वेश्चंस थे, वो सब बच्चों वाले क्वेश्चन थे, वो सब सेक्शन ए में आ सकते हैं, लेकिन यहां अब जो इस पूरी प्लेलिस्ट में यहां पर जो यहां पर कंबाइंड स्ट्रक्चर्स के, मतलब एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, दो दो चीजों के कंबाइंड वॉल्यूम या दो दो चीजों के कंबाइंड सरफेस एरिया की जो एक्सरसाइज है, वहां यहां पे ये फोर्थ एक्सरसाइज है, 17.4 है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2019 के पब्लिकेशन में 2020 के पब्लिकेशन में, मैं ये वीडियो 2019 में बना रहा हूं, उसमें एक्सरसाइज 17.4 जो है दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, 0.5 जो है वो भी और अच्छी है। तो इस एक्सरसाइज को आराम से करिए, जितना टाइम में आपने पिछली तीन एक्सरसाइज करी है उतने टाइम में आप ये वाली एक्सरसाइज अकेले करिए, और उतने ही टाइम में अगली वाली अकेले करिए। खूब ज्यादा टाइम देके धीरे धीरे करिए, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। चलिए मैं भी जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम आराम से हो रहा है। L क्या है, 16 × 8 × 8 माइनस 16 × 4 × 3 22/7। अब देखिए R हमारे पास कितना था, 2 था, 2 का देखिए अब यहां क्या हो रहा है, 16 × 8 × 8, और आप देखिए 22 को आप क्या कर सकते हैं, 11 × 2 कर सकते हैं। तो 16 × 4 × 2 × 11 × 8 / 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। अब यहां पे फायदा ये हो रहा है, ये अपना 8 है, ये 16 है और ये 8 है, तो हमारे पास 16 × 8 × 8 माइनस, मतलब कॉमन आप ले लेंगे तो एक तरीके से ये 1 माइनस आ जाएगा। अब 16 जा चुका है, 8 यहां से जा चुका है, यानी कि हमारे पास ये सारा एरिया छुप चुका है और केवल 11/21 बचा है। अब 1 − 11/21 है तो 10/21 होगा। इस सब को आप मल्टीप्लाई करिए, वो बड़ा अच्छा नंबर है, 1024। दिस इज 2 to the power 10, चाहे आप पावर से कर लीजिए, 1024 होता है 2 to the power 10, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये 2 to the power 3 है, ये 2 to the power 4 है, ये भी 2 to the power 3 है, तो 4 × 3 = 7 × 10। तो ये 1024 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 × 64 कर लीजिए। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10/21। इस सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए समझ में आ ही रहा है यार, 124 का आधा है तो कुछ 50% 500 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, ये आप गेस कर सकते हैं। एग्जाम में अगर छूट रहा है तो आप यहां पे ऐसे नियरली 500 cm करके कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपका 1 mark या 0.5 mark कट होगा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन अगर एग्जाम में आप ये करते हैं, इसके बाद आप आंसर गेस करने की कोशिश करते हैं तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये मेथड काफी अच्छा है और एक्यूरेट आंसर लाने में सक्षम है, 487.6 cm³। सो दिस बिकम्स अवर फाइनल आंसर, स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट्स में अरेंज किए हैं, उन क्वेश्चंस या उन चैप्टर्स को आप सॉल्व करिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, या एमएल अग्रवाल के अलावा आपके स्कूल में कोई बुक चलती है जैसे सेलिना चलती है कुछ बच्चों के यहां, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे व्हाट्सएप नंबर्स पर भेज सकते हैं, उन नंबर्स पर आपको आंसर मिल जाएगा, हम लोग आपको पेन एंड पेपर से सॉल्व करके आंसर रिवर्ट कर देंगे। अगर हमें लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत नया है, काफी कठिन है,
तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। जो वीडियो बनेगा उसमें आपका नाम और लोकेशन हम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians। अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद फोर कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो ये हमारा पेन स्टैंड है, इसमें चार होल्स बना दिए गए। आपकी बुक में तो पेन्स भी बने हुए हैं, लेकिन पेन्स बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेन का वॉल्यूम हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें केवल इस पेन स्टैंड को कंसिडर करना है। और सच बात यह है कि पेन बनाना बहुत कठिन है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 × 10 × 3.5। तो ये 15 हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो काफी बड़ा ये आपका बॉक्स है, एक तरीके से वुडन सॉलिड वुड होगी। फिर उसमें इतने ये चार कोन्स काट दिए गए। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब चलिए हम लोग इस डिप्रेशन को क्या करते हैं, ये डिप्रेशन को उठा के बाहर निकाल देते हैं, इसको यहां उठा के यहां ले आते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है ये ऐसा है, थोड़ा सा हो सकता है मैग्नीफाई भी हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको दी गई है कितनी, 1.4 हाइट, यानी डेप्थ जो दी गई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो अभी सारे ये जो नोटेशन है लिख लेते हैं, आर किसको मान रहे हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तीनों बातें क्यूबॉइड की हैं, और हाइट एच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। LBH का हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इस छोटे वाले कोन की। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल टू, आर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट जिसको ये लोग डेप्थ बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ कोन एच वन ना लिख के हम लोग मान लीजिए इसको कैपिटल एच कर लेते हैं और इसको स्मॉल एच कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसको कैपिटल एल किया, एच किया, सबको कर लेते हैं LBH। अच्छा, तो एच कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। अब ये सारे नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड अब आपको समझ में आ रहा होगा, यार ये पूरे बॉक्स में से ये चार बार होल्स हटा दिए गए हैं, कोनिकल होल्स। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई, 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि चार कोन्स हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल बी एच माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल कितना है, 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 × 1/3, 1/3 तो बना ही रहेगा, चलो 4/3 कर देते हैं,
पाई कितना है 22/7 और आर कितना है, आर कहाँ है भाई, 0.5 का होल स्क्वायर और एच कितना है 1.4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 35 माइनस, अब आप देखिए ये 0.25 है, 0.25 और 4 मल्टीप्लाइड करके 1 बना देंगे, तो 1 × 22 ये 7 इसको काट देगा तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा तो × 0.2 आ गया। अब डिवाइड बाई 3 चली रहा है, 7 कट चुका है, तो अब ये सब कुछ डिवाइड बाई 3 अगर है तो इसकी वैल्यू 15 × 35 क्या हो जा रही है 525 माइनस कितना है भाई 1.47, इसको आप कैलकुलेट करिए 1.47 आएगा। फिर उसके बाद फाइनल आंसर है 523.53 माइनस करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज डन नाउ। Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. A cubical block, ये हमारे पास block है, cube है, जिसकी side 7 cm है, is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter that the hemisphere can have? देखिए कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा hemisphere ले लेते हैं, इसको diameter ले लेते हैं, लेकिन जब सरमाउंटेड लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कंप्लीटली रखा होना चाहिए, वो लटका नहीं होना चाहिए बाहर। अगर हम लोग इस स्क्वायर के जो ऊपर स्क्वायर बन रहा है उसके डायगनल के डायमीटर के बराबर का हेमिस्फीयर ले लेंगे तो वो सरमाउंटेड नहीं होगा, वो तो ओवरहैंगिंग होगा, कैंटिलीवर होगा। और फिर अगर ओवरहैंगिंग बना सकते हैं तो फिर कितना भी बड़ा बना दो फिर तो कोई ग्रेटेस्ट लिमिट होगी ही नहीं। तो इसलिए हम लोग ऐसा लेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर विच द हेमिस्फीयर कैन हैव विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड ऑफ द क्यूब ये है 7 cm, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा साइड ऑफ द क्यूब 7 cm। देन इट विल मीन दैट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7/2 cm। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा 7 cm। और हमें लेकिन बात करनी है आगे की, सरफेस एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है हम लोगों को, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, R इज इक्वल टू 7/2 cm और साइड ऑफ क्यूब A इज इक्वल टू 7 cm। यहां तक बात हो गई। अब हमें बताना होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ सॉलिड, कंबाइंड सॉलिड है एक तरीके से, तो हम लोग क्या बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो ये हो जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं तो इसमें ये जो सर्कुलर रीजन है वो इस एरिया में शामिल हो जाएगा, लेकिन ये जो सर्कुलर रीजन है जब हमारा क्यूब और हेमिस्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो सरफेस एरिया छिप जा रहा है, तो उस सरफेस एरिया को हम लोग माइनस करेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हिडन
सर्कुलर सरफेस, माइनस कर रहे हैं उसको, सरफेस एरिया ऑफ हिडन सर्कुलर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, उसका भी सरफेस एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर. और सरफेस एरिया ऑफ हिडन सर्कल, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर. यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर. यानी 6 × 7² + π क्या हो जाता है, 22/7. r क्या है हमारे पास, 7/2. r हमारे पास 7/2 है, फिर से 7/2, ये दोनों कैंसल हो गए और ये हो गया 11. तो यानी कि 6 × 49 + 11 × 3.5. तो अब ये कैलकुलेशन तो आपके लिए काफी आसान है, ये सब कुछ जोड़ेगा तो आएगा 332.5 cm². करें कि क्यूब करें, स्क्वायर करना चाहिए क्योंकि हमें सरफेस एरिया पूछा गया है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians. अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर. एक सॉलिड सिलेंडर लिया, उसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया गया और नीचे से एक हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया. स्कूप करना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप शादी पार्टी में देखते होंगे कि एक आइसक्रीम का डब्बा है और उससे आइसक्रीम निकाली जा रही, तो उस चीज उस काम करने को स्कूप करना कहते हैं. स्कूपिंग इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, तो अब इस जगह पर हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और ये कर्व सरफेस ऑफ द एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्कूप या टॉप स्कूप और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम स्कूप. तो वही हम लोग लिखेंगे. जैसे यहां पर क्या है भाई, r इज इक्वल टू 3.5 cm है ना, और h इज इक्वल टू 10 cm है. r दोनों का ही रेडियस है, सिलेंडर का भी और हेमिस्फेरिकल स्कूप का भी. h है हाइट ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, वैसे मैं सीधा हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर लिख देता हूं बट वो डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसलिए दो बार टॉप हेमिस्फीयर और मतलब दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार टॉप हेमिस्फीयर के लिए और एक बार बॉटम हेमिस्फीयर के लिए. प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉटम हेमिस्फीयर. और आंसर ये क्या हो जाएगा, टॉप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr × h, 2πr h प्लस 2πr² प्लस 2πr², क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², तो आधे का हो जाएगा 2πr². अब ये दोनों मिलके 4πr² हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 2πr को कॉमन ले ले रहे हैं. h यहां आ गया, r यहां आ गया और r
यहाँ आ गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन गया हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस 2 आर, 2 इंटू 22 बाई 7, आर कितना है 3.5 और एच कितना है 10, 2 इंटू 3.5। तो अब देखिए ये 2 इंटू 3.5 मिलके 7 हो जाएंगे, तो नीचे वाले 7 को उड़ा देंगे। ठीक है भाई, काम खत्म हो गया इनका। 22 मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 इंटू 3.5 फिर से 7, 10 प्लस 7 17, तो 22 इंटू 17, 17 का टेबल तो आपको आता ही है और आ जाएगा आपके पास 374 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बिकम आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। हमारे सामने ये सवाल है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कून ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ये कून है, कून का रेडियस 3.5 है और हेमिस्फीयर का भी वही रेडियस है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, इस एपेक्स से लेके बॉटम तक टॉय की हाइट है 15.5, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए हमें इस कून का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए और हमें इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। स्फीयर में तो आसान है, इसमें रेडियस हमें पता ही है और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो स्फीयर कर लेंगे। यहां पे हमें पाई आर एल चाहिए, तो देखिए आर तो हमारे पास है, दिस इज 3.5, लेकिन हमें एल चाहिए, एल हमें नहीं पता और ना ही अभी डायरेक्टली हमें एच भी नहीं पता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये जो डिस्टेंस रेडियस है ये 3.5 है और पूरी हाइट कितनी है 15.5 है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा हाइट ऑफ कोन, एच इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये तो गिवन ही है। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है, एल, वो हमें नहीं पता, बट एल पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग, वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में ये एच है, ये एल है, आर 3.5 है, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा 12 होल स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पूरा 12 का होल स्क्वायर करिए 144 और 35 का स्क्वायर करिए, ये भी आप कर सकते हैं। मेरे पास एक ट्रिक है, देखिए क्या, दिस इज 12 एंड दिस इज 3.5, 3.5 को मैं लिख रहा हूं 7/2, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 24/2। और आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर ट्राइंगल ऐसा, ये 7 है ये 24 है, तो ये हमेशा 25 होता है, क्योंकि ये नोन पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7, 24 और 25, तो ये अपने आप में हो जाएगा 25/2। तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो वो 12.5 ही आएगा, तो मैं एल को लिख रहा हूं कितना 25/2 सेंटीमीटर। वैसे कहीं कैलकुलेट नहीं करना है, तब भी एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। जब तक आपको बच्चों एग्जाम में करेक्ट टू टू डेसिमल टाइप की बात ना लिखी हो, तब तक आप आंसर्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, नोबडी कैन चैलेंज योर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, अब तो हमारे पास अभी
केवल कोन की डायमेंशंस आई हैं और हेमिस्फीयर की डायमेंशन पहले से ही पता है, एक ही डायमेंशन केवल रेडियस ही तो चाहिए था। अब एक और बात लिख लेते हैं, चलिए यहां पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देखिए एग्जाम में ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी है कि एच आर एल, ये फिर से आर, हम किसको मान रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे पाई आर एल प्लस 2 आर। अब अपना काम बनते हुए दिख रहा है, 22 बाई 7 ही आप लिखिए, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, आर है 3.5, तो आप R को 3.5 की जगह 7 बाई 2 लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे भी आप 7 बाई 2 लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 7 बाई 2, और इधर पे L क्या है आपका 25 बाई 2 प्लस R क्या है 7 बाई 2, 7 बाई 2, हर बार 2 2 कैंसल हो जा रहा है, ये 11 हो जाएगा, 7 7 कैंसल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 2 कितना हो गया 12.5 प्लस 7, तो 11 इंटू 19.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 241.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो ये आपके सामने आंसर आ चुका है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। अ सर्कुलर टेंट इज द शेप इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सो दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोन। द डाया इज 24, ओके, सो दिस इज द डाया एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 11। इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन is 16, this is the vertex, it is 16 meter high from the ground and we have to find out the area of the canvas. तो टेंट जो है वो कैनवस पे बनाया गया है, कैनवस इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ जो टेंट मेकिंग में काम आता है। जब भी हम लोग टेंट बनाएंगे तो बस जो एरिया है उसको कवर अप कर देंगे, एरिया ऑफ टेंट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहेगा। लेकिन देखिए यहां पे कोई छत नहीं डाली जाएगी, तो जब आप कोन जब आप टेंट के अंदर होंगे तो आपको जो टेंट की छत है वो ऐसे कोनिकल टाइप दिखाई देगी, यहां कोई क्लॉथ नहीं यूज होगा। उसी तरह फर्श में भी कोई क्लॉथ यूज नहीं होगा, इसलिए हमें जो भी करना है इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। इसके लिए यहां पे तो कर्व सरफेस एरिया रेडियस भी पता ही है और हाइट भी पता है, चलिए सिलेंडर की बात कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू 12 मीटर है ना, तो ये भी 12 है, और ये देखिए ये कितना होगा हाइट ऑफ कोन, ये 16 है, ये 11 है, तो 16 में से 11 माइनस करिए, हाइट ऑफ कोन हो गई 5।
अब ये देखिए ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, अगर बात की जा रही है इस वाले ट्रायंगल की, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये 5 है, ये 12 है, तो ये अपने आप 13 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 5, 12 और 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, नहीं तो आप पाइथागोरस यूज करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सारे रॉ मटेरियल लिख देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 12 मीटर। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी दिखा दीजिए। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 11 मीटर, ये तो गिवन है, सिलेंडर की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, रेडियस क्या है आर, हाइट ऑफ कोन क्या है, चलिए ये इसको बड़ा एच आप मान लीजिए और इसको छोटा एच मान लीजिए। हाइट रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, अगेन 12 मीटर, वो तो बराबर ही है। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कैसे हमने निकाला, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ये तो हमें मालूम है, एल कैसे आने वाली है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 13 मीटर। आर और एच यही से हम लोग यूज करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आने वाला है क्या, कि हमें अब एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस, नीचे से ऊपर बढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन हमेशा नीचे से ऊपर होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच मानी हम लोगों ने, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन हो गया, 2h कॉमन हो गया और l यहां पर आ गया। पाई कितना है 22/7, r कितना है 12, h 2 इंटू एच कितना है 11 प्लस l कितना है 13। चलिए तो सब कुछ सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 22 हो गया और 22 प्लस 13 हो गया 35, ये काट देगा इसको 5, सो 22 इंटू 60 ये कितना आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशन किसमें है, मीटर में है, सो दिस इज 1320 मीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू आईआईटीएम्स। एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, सो दिस सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर, बेस डाया इज 168 मीटर,
find the quantity of canvas allowing 20% extra for folds and stitches. तो काफी अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल भी है, कैलकुलेशन है इसमें, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत पुराना सवाल भी है, आईसीएससी 2001 में आया था, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं इन 2019, दिस क्वेश्चन इज 18 इयर्स ओल्ड. आई एम वेरी श्योर कि आप में से कोई भी 18 इयर्स नहीं होगा अगर क्लास 10th में है तो. चलिए, तो अच्छा सवाल है, लेकिन फिर भी ऐसा एक प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए उसका जो फ्रेम है वो मैंने बचाकर रखा था. ओके, तो जो डायमेंशंस दी हैं उस हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया है. डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिला था यहां पर. तो 168 मीटर जो है वो बेस डाया, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसका आधा, 168 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम 84 मीटर. सारी डायमेंशन मीटर में ही है, टेंथ है तो मीटर में ही होगा. हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज गिवन टू अस एज 50 मीटर. रेडियस ऑफ कून फिर से वही स्मॉल आर ही होगा, 84 मीटर. हाइट ऑफ कून एच ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 85 माइनस 50 तो ये आ जाएगा भाई, ये पूरा 85 है, इतना 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 85 माइनस 50. सो दिस इज नाउ 35 मीटर. अब एल क्या, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके हम लोग एल कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर याद हैं तो आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल. किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल है, जरा रेड मार्क कर ले लें. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. ये मतलब एक्सिस है हमारे कोन की, और इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें और इस ट्राइंगल को लेकर हम बाहर ले आए, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये जो है हाइट ऑफ कोन क्या है, एच है, और ये रेडियस आर है, और इसका नाम हमने रख दिया एल. हमें पता है कि एच की जो हाइट है, मतलब एच हाइट कितनी है, दिस इज 35, एंड आर कितना है, 84. आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं. तो 7 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 12. तो यार 5 12 अगर थोड़ा सा याद करें तो हम जानते हैं कि एक छोटा ट्राइंगल होता है 5 12 13 का, यानी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है 5 12 और 13 का. तो ये 7 × 5 मतलब 5 का 7 गुना 35, 12 का 7 गुना 84, तो 13 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 91. तो L की वैल्यू क्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, 91 मीटर. इसलिए हमारा स्लैंट हाइट आ जाएगा 91 मीटर. और वैसे आप ये कैलकुलेशन करिए, 84 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट, तब भी 91 आ जाएगा. बट वो काफी लंबी कैलकुलेशन होगी, आपको काफी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज योर चॉइस एग्जाम में. लेकिन ये कोई आप पाइथागोरस ट्रिपलेट मत दिखाइएगा, आप यहां पर 85 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर करके सीधे 91 लिख दीजिए, कोई मार्क्स नहीं काटेगा. जितना मैंने लिखा इतना भी लिख देंगे तो भी नहीं कटेंगे मार्क्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ कैनवस टेंट, जो टेंट बनकर आएगा उसका एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और दोनों के फॉर्मूले ऐड किया और एक हमने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बना लिया. बाद में हम 20% एक्स्ट्रा वाला काम भी करेंगे, अभी पहले कम से कम जितना बड़ा टेंट दिखाई दे रहा होगा वो जो स्ट्रक्चर होगा उसका कैनवस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है. सो दिस इज 22/7,
आर कितना है 84, 2 मल्टीप्लाइड बाय एच कितना है 50, एल कितना आ गया था 91, 7 काटेगा 84 को 12, 22 इंटू 12 इंटू ये कितना हो गया 100 प्लस 91, सब कुछ आप ये मल्टीप्लाई करिए और देखिए ये आएगा 15424 मीटर स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी हम लोग 20% वाला काम भी करेंगे। ओके, 20% एक्स्ट्रा का काम करना है, एडिंग 20% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचेस, ऐसा लिखेंगे, एडिंग 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचेस, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड will become equal to 54,424 into 120/100. So this zero will get cancelled. This will become 1.2 and we will get 60508.9 meter square. और अगर आपने यही आंसर छोड़ दिया तो भी सही नहीं है, यहां मैंने नहीं लिखा है, बट बुक में बोला गया है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, पूरा जैसा बुक बता रही है या पूछ रही है वैसा ही हम लोग आंसर लिखेंगे। तो 8.9 की जगह हमने 9 लिख दिया, 6059 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. From a solid cylinder, this is the cylinder of height 30 cm and radius 7 cm, a conical cavity of height 24 cm and of base radius again 7 cm. is drilled out. तो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें अंदर कैविटी बना दी, कोनिकल कैविटी बना दी गई। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले नोटेशंस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर R is equal to 7 centimeters. Radius of cone R is equal to 7 centimeters. Height of cylinder capital H is equal to 30 centimeters. Height of cone small h is equal to 24 centimeters. तो इतनी बातें तो हमें ऑलरेडी ये सब गिवन है ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मतलब जब हम लोग अपने सिलेंडर से कोन को हटा चुके हैं, तो जो इस टाइप का ये जो शेप बचेगा, अंदर से हॉलो होगा, बाहर से देखने में तो सिलेंडर ही दिखाई देगा लेकिन अंदर उसमें कोनिकल कैविटी होगी, उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यहां पे कैपिटल एच ले रहे हैं हम लोग, और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच यहां पे ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच बाई 3, ये हो जाएगा। और अब उसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज रख लेंगे, 22/7 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड एच कितना है 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3, सारी वैल्यूज रख ली, 22 × 7 7 कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय ये 6 8 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 30 माइनस 8 हो गया 22 अगेन, सो दिस इज 22 × 7 × 22, तो ये आ जाएगा 3388 डायमेंशन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लगाएंगे क्योंकि बात वॉल्यूम की हो रही है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो देखिए यहां पे तीन पार्ट होंगे, एक तो टॉप, फिर इसके बाद ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, टॉप जो है वो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, बाहर का कर्व सरफेस एरिया और अंदर का कर्व सरफेस एरिया, और यहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो खाली होगा है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड देखते हैं कैसा दिखता है। सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप प्लस सरफेस एरिया ऑफ बल्कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फिर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो अब क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये फिर से यहां पे अगर देखें तो ये भी 7 है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर वही है यहां पर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। अब प्रॉब्लम ये है कि एल हमें नहीं पता है, दिस इज द एल, एल इज द स्लैंट हाइट, तो यहां पे अपने रॉ मटेरियल में लिख लेते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू, अब यहां पे हमें पता नहीं है एल कितनी, तो देखिए ये 24 है ये 7 है तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो जाएगा, आप पाइथागोरस से कर सकते हैं, 24 होल स्क्वायर 27 और 7 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो एल हमें अब पता चल गया है कि 25 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम लोग पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, आर यहां पे आ गया, 2h यहां पे आ गया, l यहां पे आ गया, सो पाई इज 22/7, r इज 7, r इज अगेन 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई h इज 30 प्लस l इज 25, तो 7 कैंसल हो गया, 22 मल्टीप्लाइड बाई ये 60, 85 प्लस 7 92 हो गया, तो आंसर हमारा हो गया 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्योंकि एरिया है इसलिए हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर जाएंगे. सो दिस विल बिकम आवर फाइनल आंसर. स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians. द एडजॉइनिंग फिगर, I have taken a lot of effort to draw this figure, shows a wooden toy rocket. ये एक बच्चे का toy rocket है, लकड़ी का बना हुआ है. If the conical portion is to be painted green, it is looking green, and the cylindrical portion red, find the area of the rocket painted with each color. मतलब यहाँ पे green color कितना use हुआ और रेड कलर कितना यूज हुआ सरफेस पे, कितनी सरफेस पे. एंड देन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड. इट इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, काफी कैलकुलेशंस हैं इसमें. और जो चीजें इसमें दी हुई हैं डायग्राम में, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सारे डायग्राम वैल्यूज मेंशन की गई हैं. तो वो मैंने क्योंकि बना ही दिया यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया है. बट स्टिल जब आप आंसर लिखेंगे तो सब कुछ आपको लिखना चाहिए, क्या क्या हमें दिया हुआ, आप क्या नोटेशन मान रहे हैं, कौन सा रेडियस है, क्या है, तो वो सब होना चाहिए हमारे पास. तो हम लोग फिर से लिख रहे हैं. सबसे पहले कोन की बात कर लेते हैं. रेडियस ऑफ कोन R इज इक्वल टू क्या होगा भाई, रेड कोन का ये डायमेंशन आपको 5 दिया हुआ है, तो 5/2 मतलब डायमीटर जो है 5 दिया हुआ है, 5/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसके बाद आ जा रहा है हाइट ऑफ कोन, स्मॉल एच ले लेते हैं. अच्छा यहां पे इसको कैपिटल आर लीजिए क्योंकि ये डायमेंशन बड़ी है, ये छोटी है. हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर. कोन के बारे में तो दोनों बातें पता चल गई, बट यहां पर हमें ये नहीं पता है इसका क्योंकि कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो एल भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना. तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना. आर किसको माना है, इस डायमेंशन को कैपिटल आर माना गया है. दिस इज हाफ ऑफ फाइव, इस डायमेंशन को स्मॉल आर माना जाएगा. अभी L इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय प्लस एच स्क्वायर, तो R कितना है हमारे पास, कैपिटल R है 5/2 होल स्क्वायर. और देखिए इसको मैं बोल रहा हूं 6 की जगह 12/2 होल स्क्वायर. तो अब आपको याद आ रहा होगा 5, 12, 13, तो बस बिल्कुल वही है, यहां पे हो जाएगा 13/2. सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन विल बिकम 13/2. 6.5 भी हम यूज कर सकते हैं जैसी जरूरत है. तो L की वैल्यू ये है, स्मॉल h ये है, कैपिटल R ये है. फिर उसके बाद ये सारी बातें तो हुई कोन की, अब आ जाते हैं सिलेंडर पे. रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास, ये दिस इज द डायमीटर, सो 3 वी विल कंसीडर द नेम एज आर, 3/2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, रेड पार्ट जो है वही सिलेंडर है. हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच वो क्या हो जाएगा, 26 - 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. यानी कि अगर ये 26 सेंटीमीटर है तो ये जो हाइट है कैपिटल एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगी. अब हमारे पास
सारी डायमेंशन तो कम से कम लिख गई है। ओके, अभी तक क्वेश्चन में हमारी प्रोग्रेस ये है कि हमें मतलब नॉर्मल नोटेशन से हमने केवल नाम लिखे हैं। कोन इंफॉर्मेशन ये है कि भाई जो कैपिटल आर है और उसकी हाइट एच है और स्लैंट हाइट एल है। कैपिटल आर ये इसका आधा है 5/2 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एल स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 6.5 यानी 13.2 सेंटीमीटर। कोन की ये इंफॉर्मेशन है। फिर सिलेंडर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या है सिलेंडर के बारे में? दो ही चीजें हैं, एक उसकी हाइट है। चलिए रेडियस पहले लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू कितना है 3/2 सेंटीमीटर और कैपिटल एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर और कोन के बारे में हमें पता चल गया। अब उसके बाद पहला पार्ट हम शुरू करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ग्रीन। ठीक है, एरिया पेंटेड ग्रीन है ना, ग्रीन कलर ही मिल जाए तो अच्छा है। चलिए मिल गया, एरिया पेंटेड ग्रीन। तो ग्रीन का क्या क्या एरिया है भाई? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एक तो ये है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, और नीचे भी आप देखेंगे तो रिंग टाइप की दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करें तो कोन का कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नीचे आपको एक ऐसी रिंग दिखाई देगी जब हम इसको ऐसे देखते हैं। कोन यहां से ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अगर आपकी रिंग यहां है तो कोन यहां पे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। जब आप इसको इस तरह देखेंगे तो जो ये रिंग एरिया है वो ये होगा ऐसा। फिर से यही ग्रीन है, तो ये जो एरिया है उसको मैंने ऐसे बना दिया है। यहां पे आप अगर देखें तो ये वाला जो है ये स्मॉल आर है और ये वाला जो है वो कैपिटल आर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग, है ना। क्या लिखेंगे? रिंग एरिया बिलो कोन, रिंग एरिया बिलो कोन। तो एरिया पेंटेड ग्रीन के बारे में आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल, नहीं, आर ये वाला था और एल ये वाला था, प्लस रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एक बड़े पाई आर स्क्वायर से छोटे पाई आर स्क्वायर को हटा दे रहे हैं। तो अब यहां पर आप बस कुछ मत करिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सारी पाई लिखते रहिए। क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ था कि पाई आपको 3.14 लेना है। आर यहां से उठाइए, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय एल क्या है 13/2 प्लस आर फिर से 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। सब कुछ पाई अभी भी रहने दीजिए, 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4। तो ये सब कुछ ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा पाई की जगह 3.14 आप रख सकते हैं 81/4। सब कुछ मल्टीप्लाई करके 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 63.59 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So this is the area painted by green color. तो अभी green color का ही answer आया है. Red का निकालना है. अब हमें निकालना है एरिया पेंटेड रेड. ये इजी है. एरिया पेंटेड रेड, रेड में तो केवल सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और नीचे ये सर्कुलर एरिया निकालना है. तो क्या होगा, लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो सर्कुलर बेस, तो यहां पे तो हमने इसको स्मॉल आर माना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर. और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई स्मॉल आर कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल एच 20 है, ये 20 में इंटरेस्टेड है हम लोग. तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, हम लोग क्या करते हैं पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, 2h प्लस अंदर आ जाएगा केवल r. जितना कॉमन ले लीजिए उतना अच्छा है, पाई को पाई ही बना रहने दीजिए. r क्या है, 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई h कितना है 20 है, और r कितना है स्मॉल r 3 बाई 2. चलो भाई सही है सब कुछ. और यहां पे देखिए बहुत ज्यादा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, 1.5 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर 40 प्लस 1.5 यानी कि हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5. अब सब कुछ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195.47 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बिकम आवर फाइनल आंसर. तो रेड का एरिया भी हमने निकाल लिया. अब वॉल्यूम ऑफ वुड की बात कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वुड और भी आसान है, बस कैलकुलेशन है. क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऊपर क्या है कून प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे रेड कलर से क्या है सिलेंडर. ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता 1/3 पाई आर, बड़ा लेंगे आर स्क्वायर, एच छोटा लेंगे 6 लाना है हमें, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर छोटा लेंगे और हाइट बड़ा लेंगे. तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है. पाई आप कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे आप लिखिए स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच. पाई आप लिखे रहने दीजिए, आर कैपिटल आर क्या है 5/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एच है 6 डिवाइडेड बाय 3. बहुत ही बढ़िया बात है, ये 3 से कैंसल हो जाएगा. और अब यहां पे आ रहा है आर स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 3/2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एच 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा, और पाई मल्टीप्लाई हो ही रहा है सब कुछ से, तो पाई. और उसके बाद ये देखिए 2 यहां पर है, 5/2 है, तो आप 2.5 होल स्क्वायर समझ सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है प्लस 1.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
20। पाई फिर से बना रहने दी, बार बार 3.4 लिखने से अच्छा पाई लिखिए। 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 12.5 और 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा 45। अब आप वैल्यू रख दीजिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 57.5, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 180.55 सेंटीमीटर क्यूब। बार बार 555 आता रहेगा इसलिए बुक ने यहां पर 56 कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कून। तो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कून रखा हुआ है ऑफ बेस रेडियस, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। चलिए तो अब यहां पे करेक्ट टू 2 डेसिमल तक निकालना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है पूरे स्ट्रक्चर का। काफी इजी सवाल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों का फॉर्मूला में लिखना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे यही है आपका h इज इक्वल टू 7 और r हमें पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल r दोनों में बराबर, यही रेडियस यहां, यही रेडियस यहां, यहां भी लिख देते हैं r इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करिए, यहां पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, h बाय 3 प्लस उसके बाद यहां पर आपके पास, बल्कि आप पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन ले लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा h और यहां पे हो जाएगा 2r। अब उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ओके पाई को पाई ही बना रहने दीजिए, पाई और स्मॉल r है 5, 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, h कितना है 7 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय r है 5। तो अभी हम लोग कहां पे पहुंच गए, पाई मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 प्लस 7 हो जाएगा 17। अब आप पाई को रखिए 22/7, काफी सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि भाई 22/7 क्यों रखा, जबकि कुछ कट भी नहीं रहा है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। उसका कारण यह है कि अगर आप 3.14 लेंगे तो आपका आंसर थोड़ा डिविएट करेगा जो पीछे दिया है उससे। सो अब आपको करना है यही है 22 × 25 × 17 डिवाइडेड बाई 21। एक अच्छा वैल्यू आप याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए कि 22/21 1.05 आता है, तो उसको यूज करें, 25 × 17 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 445.24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम हमारा यहां पर आ चुका है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। शुरू करते हैं। अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन हुज सर्कुलर बेस कोइंसाइड्स विद द प्लेन सरफेस
ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बॉय जो है स्पेलिंग में चेंज है, लड़का वाला बॉय नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये बॉय सी में, समुद्र में पड़ा रहता है और कभी कभी इसमें लाइट भी लगी रहती है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइट हाउस। और ये बॉय जो है लोकेशन बताता है, सी शोर वगैरह की पहचान कराता है, ये यूज है बॉय का। आप जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी आपको बॉय वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे, और वहां वो जो बॉयज हैं वो सी में पड़े हुए होंगे। ओके तो शेप उसका इस तरह से है। यहाँ पे पहली बार एक अलग से कंडीशन दी हुई है, रेडियस तो हमें पता है 3.5 मीटर है, और जो वॉल्यूम है कोन का वो 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर है। मतलब ये रेडियस 3.5 है, बल्कि कोन का रेडियस आपको पहले दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल ऑल्सो बी 3.5 बिकॉज द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन एंड द फ्लैट सर्फेस ऑफ द हेमिस्फीयर दे कोइंसाइड विद ईच अदर, सो दैट मीन्स both the circles coincide with each other, so the radii will be equal and they will be 3.5 meter, not centimeter, they will be meter. All the dimensions will be in meter because only one dimension is given, 3.5 as in meter. And the radius of cone is 3.5 and its volume will be 2/3 of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of the boy. So first of all we have to calculate this height. So we will write the normal notations, and first we will write about cone. So cone has few specifications. Radius of cone R is equal to 3.5 centimeter. Now height of cone we have to calculate, h we don't know. Again, because we have to calculate the surface area of the boy, at some point of time we will need slant height. Slant height of cone l, we don't know. And now we are talking about the sphere. Sphere, in, we just have one dimension, that is the radius. Radius of, this is hemisphere. Hemisphere. We have just one dimension. Radius of hemisphere. What is the radius of hemisphere? R. And we have it 3.5 centimeter. Now the next condition is given, that the volume of the cone is 2/3 of the hemisphere. See, cone, after that we have written its. So its volume means cone's volume. Cone's volume is 2/3 of the hemisphere. Volume of cone is equal to 2/3 multiplied by volume of hemisphere. How did we get this condition? It is already given to us. So what is the volume of cone? Volume of cone is 1/3 pi r square h. What is the volume of hemisphere? 2/3 pi r cube, but this is multiplied again by 2/3. This is the factor given in the question. This is not part of the formula. This is the formula, okay? So don't confuse. And now we can also write pi r square h divided by 3. 2/3 multiplied by 2 pi r square, again multiply. I have broken the pi r cubes, r cube as r square and r, divided by 3. Now pi r square will completely get cancelled, 3 and 3 will also get cancelled. So now we are left with the expression h is equal to 2 into 2,
4r/3, and we already know that r is equal to 3.5. Since r is equal to 3.5 meter, so okay, r is equal to 3.5 meter. All the dimensions are in meter. Please remember. Okay, and h is equal to 4r/3. I know that r is equal to 3.5, so I will write r is equal to 7/2 because of 3.5. This will further get cancelled. So h is equal to 14/3. You can report the answer as 14/3, but it is given in the question that you have to write that the answer should be correct to 2 decimal. So we will write the answer correct to 2 decimal. This implies that h is equal to 4.67 meter. So this will become our first part of answer. We have calculated the height now, and the surface area is yet to be calculated. So this is the height. We will calculate the surface area now. To calculate the surface area, we need the slant height of the conical part. ये बहुत जरूरी है कि हमें slant height पता हो. अब तो हमने h कैलकुलेट कर ली है. h कितना आया था हमारा 14/3. वी विल गो फॉर 14/3 क्योंकि यार जब स्लैंट हाइट करेंगे तो डेसिमल पार्ट डेसिमल वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी. इसलिए h इज इक्वल टू 14/3 मीटर है. ओके, प्लीज चेक कि मैंने एच जो कैलकुलेट किया वो 14/3 मीटर लिखा है या सेंटीमीटर. आई थिंक मीटर लिखना चाहिए. 4.67 मीटर था, ये चेक कर लीजिए. अगर नहीं था तो सही कर लीजिए. ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं कि हमें स्लैंट हाइट निकालनी है. लेट द स्लैंट हाइट बी एल, और ये तो एच है ही, इसको एच लिख देते हैं. दिस इज एच, दिस इज द रेडियस 3.5. तो ये इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. ओके, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं. ये एच है हमारे पास, दिस इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नाउ. ये एल है और ये आर है. तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना है. एच हमें पता है, एच कितना है हमारे पास 14/3, और आर हमें पता है, आर कितना है 3.5 है आर, लेकिन हम उसे लिखेंगे 7/2. कैलकुलेशन करने में आसान होगा, आप वरना स्क्वायर रूट वगैरह ले ही नहीं पाएंगे, फिर एल नहीं आ पाएगा. तो और ये कोई फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी डायरेक्टली रिलेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं. तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच कितना है 14/3 का होल स्क्वायर, आर कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, है ना. एच कितना था, एच हम लोग ने कैलकुलेट किया था 4.67, विच वॉज इक्वल टू 14/3 मीटर. आर हमें गिवन ही है 3.5, जिसको हम लोग ले रहे हैं 7/2 मीटर. ये बहुत जरूरी है कि आप 4.67 से नहीं करें, नहीं तो पाइथागोरस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. 4.467 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा. इट विल नेवर बी सॉल्व विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. लेकिन बिना कैलकुलेटर कैसे करना है वो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है. 196 होता है 14 का स्क्वायर, दिस इज 9 और ये 49 और ये हो गया 4. अब उसके बाद आप क्या करिए, यहां 9 और 4 एलसीएम ले लीजिए. नीचे तो मजा आ गया, 36 आ गया, क्योंकि भाई 36 का स्क्वायर रूट हम निकाल भी लेंगे. 4 × 196 इज 784, और उसके बाद 9 × 49 इज 441, और उसके बाद अब काफी बड़ा नंबर आ रहा है 1225. आप देख लीजिए यहां पर 1225, और उसके बाद 36. तो 1225 का अंडर रूट आप देखें अगर, तो वो हो जाता है 35, और अंडर रूट 36 हो जाएगा 6, यानी कि स्लैंट हाइट आपकी आ गई L इज इक्वल टू 35/6, आपका एक स्टैंडर्ड हो गया.
ये कोई आंसर नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत तो हमें बाद में पड़ेगी, अभी तुरंत सरफेस एरिया निकालने में। तो स्लैंट हाइट अब हमारे पास जो रेड में लिखे हैं वो गिवन स्टैंडर्ड्स नहीं है, रेड में जो है वो अभी कैलकुलेट होकर आया है 35/6 मीटर। तो इसे यूज करेंगे अब हम लोग। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बॉय, अब फाइनल जो ये पार्ट है वो हम लोग करेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉय। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बल्कि लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बोलिए बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ, बिल्कुल सही बताया, हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल है ना, इसीलिए तो हम लोग ने 1 मिनट से एल निकाला है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे स्फीयर का, तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे है ना, तो एल प्लस 2 आर, ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया। पाई देखिए यहां पे आप 22/7 लें ज्यादा अच्छा होगा, आर 3.5 है लेकिन आप 7/2 लें तभी आपका आंसर एग्जैक्टली मैच आएगा, आसपास आंसर लाने में मजा नहीं आता है। एल क्या हो गया 35/6, 2 × r = 7/2, आप लिख दीजिए, एल तो यहां से दिख रहा है मीटर। अच्छा, और 2 × 7/2, ये 2 कैंसल हो गया। अब देखिए इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, 6 × 7 = 42, और 42 + 35 कितना हो जाता है 77/6। ठीक है, इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मतलब 7 कैंसल हो गया, 2 11 से मल्टीप्लाई 2 इससे कैंसल होगा 22 से, तो 11 बचेगा, 11 से 77/6 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हो जा रहा है 141.17 मीटर। सो दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉय। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने सारे जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में अरेंज किए हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जितने चैप्टर आपके एमएल अग्रवाल में हैं उतनी ही प्लेलिस्ट हमने बनाई है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत कठिन है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा और हमारे वीडियोस में भी अवेलेबल नहीं है, आप उसको हमें सेंड करिए, हम उसे पेन एंड पेपर से सॉल्व करके आपको वापस रिवर्ट कर देंगे। अगर हमें ये लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे, उस नए वीडियो में आपका नाम और लोकेशन हम मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians। अ सर्कुलर हॉल हैज अ हेमिस्फेरिकल रूफ, तो एक हॉल है उसकी हेमिस्फेरिकल रूफ है। द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, तो जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हॉल इज 48510। तो देखिए हॉल में अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसा हॉल होता डोम टाइप का, तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो कभी भी डायमीटर के बराबर नहीं हो पाती, क्योंकि यार ये रेडियस है तो ये आर होगा, ये 2 आर होगा, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता अगर ये हेमिस्फीयर केवल होता। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे एक सिलेंडर और है जो इसको इतनी हाइट दे रहा है, ये रेडियस है, रेडियस जितना ये भी है,
So, jitna bada ye hai, utna hi bada ye. So, this becomes 2R and this also becomes 2R. Abhi idhar pe aur samajh mein aa jayega hum log ko jab main diagram hum log banayenge. To, dekhiye kya hai ki ek hum logo ne hemisphere bana liya. Aur uske niche hum logo ne ek hall बना लिया. हॉल का जो फ्लोर है वो सर्कुलर है, वो गोल घेरा सर्कुलर हॉल है और मतलब उसकी चारों दीवारें जो है वो एक सर्कल में, चार दीवार है ही नहीं, मतलब दीवार बस लगातार एक सर्कल बना रहे. सो दिस इज द शेप ऑफ आवर हॉल. अब इस हॉल में क्या हो रहा है, जो ग्रेटेस्ट हाइट है दिस इज इक्वल टू 2R. This is also equal to 2R. इसको 2R क्यों बोलते हैं? 2R यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस या जो नीचे हमारा है सिलेंडर है उसका भी रेडियस R है. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो R. तो इसीलिए ये जो डायमीटर है 2R है, उसी के बराबर ग्रेटेस्ट हाइट 2R यहां पर है. तो ये हमारा फाइनल डायग्राम हो चुका है. अब यहां पे एक बात आ जाती है यार कि अगर ये हाइट जो सिलेंडर की है h और अगर ये रेडियस R है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा. अगर ये R है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा. तो ये भी अगर R हो गया तो h प्लस R इज इक्वल टू 2R. ठीक है, h प्लस R इज इक्वल टू 2R. ठीक है, और तो h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, R, यानी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो भी R हो जाएगी. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू R. हाइट ऑफ अब रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी R ही है, ये तो डायग्राम से ही आ रहा है. फिर उसके बाद रेडियस ऑफ डोम, डोम यानी कि जो हेमिस्फेरिकल रूफ है, हेमिस्फीयर, वो भी है R. अब यहां पे ना HRR कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कैपेसिटी ऑफ हॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉल पता है. कैपेसिटी, या हम अपने शब्दों में मैथ्स के हिसाब से समझे तो वॉल्यूम ऑफ हॉल इज इक्वल टू 48510 मीटर क्यूब. अब इसी इंफॉर्मेशन से R और H हम लोग निकाल लेंगे. R हम लोग को पता चल जाएगा तो हमें एरिया ऑफ द फ्लोर, हमें एरिया ऑफ द फ्लोर क्या है, एंड में कैलकुलेट हमें क्या करना है भाई, हमें एंड में ये एरिया ऑफ द फ्लोर कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर निकालना है बस. वॉल्यूम ऑफ हॉल यानी कैपेसिटी ऑफ हॉल हमें 48510 दिया हुआ है. तो यार वॉल्यूम जो 48510 है आया कैसे होगा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा. ऊपर जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³. स्फीयर का 4/3 πr³ होता है तो हेमिस्फीयर का होगा 2/3 πr³. और इसका वॉल्यूम क्या है, ये तो एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होगा πr²h. इन थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि h तो है कितना, R के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम है πr³. तो बढ़िया है, तो पहले ये फिर ये दोनों हम लोग लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr³. तो पाई आर क्यूब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2/3 + 1 48510.
अब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 5 बाई 3, यहां पे इसको भी कर लेते हैं 22 बाई 7 और 5 बाई 3 आर क्यूब को इस साइड लिया 485 10। इतने बड़े नंबर को देख के घबराना नहीं है, आप पूरा 20 आप काटेंगे तो 5 से तो दिख ही रहा है कट जाएगा, और फिर 22 से भी कट जाएगा, जैसे भी कर लीजिए। आर क्यूब इज इक्वल टू 485 10 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 110। चलो 00 काट दिया, 11 को 485 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 फोर जा 4 बचा 45, 11 फोर जा 1 बचा 11, तो 11 वन जा 11, तो 441। अगर आपको याद है तो और अच्छा रहेगा, 441 21 का स्क्वायर होता है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इंटू 21, यानी 21 टू द पावर 3 यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब है आर इज इक्वल टू 21 क्योंकि हॉल है ये, तो यहां पे जो हमारा है डायमेंशन रेडियस आ रहा है 21 मीटर। बस ये काफी हद तक हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि हमें आखिरी में पाई आर स्क्वायर ही करना है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आर इज इक्वल टू 21 मीटर, रेडियस ऑफ हॉल या रेडियस ऑफ डोम आ जा रहा है 21 मीटर। ओके, एक चीज बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, जो यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर है, कि ऐसा आपने देखा होगा मंदिर या मस्जिद में भी होता है कि बिल्कुल गोल हॉल है और ऊपर डोम लगा हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड है रोटंडा, जो मैंने यहां पे लिखा है। और रोटंडा वर्ड इज अ वोकैबुलरी वर्ड, इट इज क्वाइट फेमस इन एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस विच इंक्लूड वोकैबुलरी। तो रोटंडा का मैंने एक कोड बनाया है कि नीचे भाई सर्कल रहेगा तो नीचे रोटी होगी, और ऊपर अंडा रहेगा, तो रोटी प्लस अंडा इज इक्वल टू रोटंडा। चलिए तो वापस मैथ्स में आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास हमें वैल्यू है आर इज इक्वल टू 21 मीटर, आर इज इक्वल टू 21 मीटर हमें पता है, और फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22 बाय 7, आर कितना है 21, तो 22 इंटू 821 कट जाएगा तो वो 21 हो जाएगा, 7 3 20 1। अब 22 इंटू 21 इंटू 3 सब कुछ मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम योर फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया भी हमारा आ गया, दिस इज अवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, हमने अपने सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरेंज किए हैं। आपकी बुक एमएल अग्रवाल में जितने चैप्टर हैं उतनी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के लिए एक प्लेलिस्ट, और आप उसमें जाकर सारी एमएल अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने मन का चैप्टर सॉल्व करिए और खुश रहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो हमने एमएल अग्रवाल में नहीं सॉल्व किया, एक नया टाइप है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, जो भी कारण हो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए व्हाट्सएप में। नीचे व्हाट्सएप नंबर्स भी उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप जब हमें क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उसे का सॉल्यूशन आपको बनाकर वापस भेज देंगे पेन एंड पेपर से सॉल्व करने के बाद। अगर हमें लगता है आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे, उस वीडियो में आपका नाम और लोकेशन हम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ
cylinder surmounted by a hemispherical dome contains 41 whole 19 by 21 meter cube of air. उसमें इतनी एयर है, मतलब उस बिल्डिंग का वॉल्यूम ये है. बड़ा अजीब सा नंबर दिख रहा है, बट डोंट वरी, सब कुछ कट जाएगा, इसलिए ऐसा नंबर आपको दिया गया. ओके, इफ द इंटरनल डाया ऑफ डोम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो एक सेम टाइम का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है. हमारे पास ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम ज्यादा बड़ा ना मिले, ठीक है. डोम शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें एक विशेष बात यह है कि इसका जितना डायमीटर है उसको हम 2R मान ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस जो है सिलेंडर का या स्फीयर का उसको हम R मान रहे हैं. तो ये भी जो हाइट है ये भी क्या हो जा रही है, 2R हो जा रही है. सो दिस हाइट इज R एंड अगेन दिस हाइट इज गेटिंग R. R प्लस R 2R और ये भी 2R. तो ये बात कंफर्म कर रही है, इफ द इंटरनल डाया ऑफ द डोम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, 2R है. तो नोटेशंस लिख लेते हैं, है ना, बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की. तो हेमिस्फीयर में क्या है, रेडियस R, और सिलेंडर की बात कर लेते हैं. सिलेंडर में हाइट क्या है, हाइट यहां पे R है और रेडियस भी यहां पे R है ना, डायग्राम से दिख रहा है. अब उसके बाद बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जा रही है, 2R हो जा रही, ठीक है. कभी ये क्वेश्चन हम लोग ने किया था जिसमें मैंने बिल्डिंग को रोटंडा बोला था, इसी आपकी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करूंगा. तो अब क्या हो रहा है कि सारी चीजें हमें पता है, इन दी एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2R कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है 41 होल 19 बाई 21, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है. अब वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग होता क्या है, पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह हम लोग आर ले रहे हैं, ये सिलेंडर का वॉल्यूम की बात हो रही है. अब इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 880 डिवाइडेड बाय 21. यहां से आप पाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, पाई आर क्यूब कॉमन है 2/3 प्लस 1, और इसे 880 बाय 21 चलने दीजिए. देखिए आर क्यूब अब अपना आते हुए दिख रहा है, जैसे ही आर आ जाएगा, आर क्यूब से आर आ जाएगा, फिर 2R निकालना होगा. पाई उस साइड आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7/22, और ये कितना है, 3 1 3 5/3 है, 5/3 उस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 3/5. अब मजेदार बात, 7 × 3 काट लेगा 22 को, और ये कितना हो जाएगा, 40. तो 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा कितना, 8. आर क्यूब इज इक्वल टू 8, दिस गिव्स आर इज इक्वल टू 2, दिस गिव्स 2R इज इक्वल टू 4 meter. देयरफोर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 4 meter. सो दिस विल बिकम आवर फाइनल आंसर. स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians.
रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ओवर अ सिलेंडर. वही तो एक हमारे पास रॉकेट है वो ऐसा है, कोन जो है वो किसके ऊपर बना दिया, एक सिलेंडर के ऊपर बना दिया. अब उसके बाद आगे क्या है, डाया एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 6 and 12. तो ये हो गया डाया, दिस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, दिस इज 12 सेंटीमीटर. इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 5, तो भाई ये जो स्लैंट हाइट है ये 5 है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट. तो अभी तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं. नोटेशंस देखिए, कोन में हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, और एल मतलब स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट 5 दी गई है. स्मॉल आर देखिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये 6 है तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. यहां पे भी स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द कोन. हाइट ऑफ कोन हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत ही इजी है. अगर हमारे पास ये आर है, ये एच है और ये एल है, है ना, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा. L इज इक्वल टू 5 है, R इज इक्वल टू 3 है, तो 3, 4, 5 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा. तो हाइट पक्का है कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो जो हमारे कोन के डायमेंशन है आर एच एल वो हमारे सामने है. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिलेंडर पे. सिलेंडर पे फिर से R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 6 दिया ही हुआ है. और हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं, क्योंकि 12 जो है वो इस 4 से बड़ा है. तो हम लोग अब ये कैलकुलेट कर चुके हैं दैट द हाइट इज 4. अब H कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. तो ये दोनों बातें अब हमें मालूम है, सारे फैक्टर्स पता है. नाउ वी आर फ्री टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ रॉकेट. इसमें एक अजम्पशन ये है कि भाई जो रॉकेट है हमारा वो नीचे से बंद है, तो यानी कि नीचे का सरफेस एरिया भी हम लोग काउंट करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ये है भाई कि एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच. फिर नीचे की भी बात करेंगे, जो कवरिंग है इसकी वो भी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे एक सर्कुलर ढक्कन लगा होगा, नहीं तो रॉकेट का सारा माल बाहर आ जाएगा, घूम नहीं जाएंगे, रॉकेट कैसे उड़ेगा, है ना. तो ये सारी बातें. अब आप क्या करिए, पाई आर को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2H प्लस आर हो गया हमारे पास. पाई को पाई बना रहने दीजिए, बाद में डिसीजन लेंगे 22/7 लेना है कि 3.14. अगर आर क्या है हमारे पास, 3 है, और एल क्या है हमारे पास, 5 है, 2H क्या है हमारे पास, 2 × 12 है, और आर क्या है हमारे पास, फिर से 3 है. तो दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 × 2 = 24, और 27 प्लस 5 हो जाएगा 32. तो 32 × 3 × पाई. तो पाई को चलो अब लग रहा है कि नीचे कुछ कैंसिल, 22/7 से कुछ कैंसिल तो आया होगा नहीं, तो हम लोग 3.14 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आंसर आ जाएगा आपका 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट. अभी लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, बिकॉज वी स्टिल नीड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट. नाउ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट. अब यहां पर दो ही शेप्स है हमारे पास, एक कोन और एक सिलेंडर. नीचे सर्कल का तो कोई वॉल्यूम होगा नहीं, तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, 1/3 πr² h प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। अब फिर से वही है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच बाई थ्री आपके पास है और यहाँ पे कैपिटल एच है। फिर पाई को, अभी पाई लिखिए, बात 3.14 लिखने में टाइम लगेगा, आर मल्टीप्लाइड बाई थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना है भाई 12/3 प्लस ओके एच जो है ऊपर वाला एच जो है वो ये है 4/3 क्योंकि छोटा वाला हमें एच लेना पड़ेगा यहां पर। एंड हाइट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये हो गया 12। तो अब सब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और यहां पर मतलब पाई इज इक्वल टू 3.14 हम लोगों ने अज्यूम किया है। सो दिस इज व्हाट वी नीड, 376.8 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट दी अदर। देयर कॉमन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर ईच 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो जो हमारा सॉलिड है वो एक कोन, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों को हमने आर मान लिया जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर दोनों को हमने एच मान लिया जो कि क्वेश्चन में हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो हमारा सॉलिड है उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। तीनों के फॉर्मूले हमने लिख दिए, कोन का ये है, सिलेंडर का ये है और हेमिस्फीयर का ये है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर एच नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि यहां पे एच नहीं है, एच यहां से आ गया, यहां से 3h आ गया और यहां से 2r आ गया। अब देख सकते हैं 1/3, जब तक एक सही नंबर टाइप ये लिखने ना लगे तब तक आप वैल्यूज मत रखिए वरना जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहां पे देखिए 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारा जो फाइनल जो दिखाई दे रहा है प्रारूप वो ये दिखाई दे रहा है। 2 भी कॉमन ले लिया, अब सब कुछ आप रख सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई को 22/7 ले लेते हैं। आर दिया हुआ है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 टाइम्स h, h की जगह है 4 और r की जगह है 7, तो 4 to the 8 plus 7 15, 15 3 से कट जाएगा, 7 7 भी कैंसल हो जाएगा। बड़ी आसान कैलकुलेशन है और ये आ जाएगा आंसर आखिरी में 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट पे बच्चों जरूर ध्यान दें। Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. A solid is in the form of right circular cylinder with a hemisphere at one end and cone at the other end. चलिए भाई, तो एक solid ऐसा बनाया गया, एक cylinder के एक end पे cone है, cylinder बीच में आया, cylinder के एक end पे cone है और दूसरे एंड पे हमारे पास स्फीयर हेमिस्फीयर है। कॉमन डायमीटर, बड़ा अच्छा वर्ड बोला इन्होंने, कॉमन डायमीटर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कोन का, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सबका सेम है 3.5 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर 6, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और कोन की हाइट कितनी है, ओहो सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर और कोन की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये बड़ा है छोटा है, सही बनाया फिर अपना। अच्छा, अब उसके बाद ये 3.5 है तो बच्चों ये जो कॉमन रेडियस होगा, कॉमन डायमीटर 3.5 है तो कॉमन रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2।
और इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा एच, इसको मान लेते हैं हम लोग छोटा एच। हम लोग को केवल वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, इसलिए ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करें। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, 1/3 πr² h प्लस πr² h, इस बार h कैपिटल लेंगे, है ना, ये h इसके लिए, ये h इसके लिए, प्लस अब ये वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम है इसका, और उसके बाद आ रहा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता ही है 2/3 πr³, क्योंकि स्फीयर का होता है 4/3, तो उसका आधा 2/3। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया पाई 3.14 लेना है, बाद में ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर अभी आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, h/3 + h प्लस 2r/3, सो ये आया अभी तक। अब हम लोग वैल्यूज पुट करें, तब भी पाई को पाई बना रहने दिए, पाई लिखने में कम टाइम लगता है, 3.14 लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, तो बिल्कुल एंड में पाई को 3.14 रखें ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, हालांकि मैंने बोलने में काफी टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 3.5 का आधा, क्योंकि आर 3.5 का आधा हम लोग कर रहे हैं, 3.5/2² फिर h की जगह हम लोग स्मॉल h की जगह 6/3, है ना, और फिर कैपिटल h की जगह 10, और यहां पे ध्यान देना होगा थोड़ा सा, r की जगह आप 3.5 गलती से मत रख दीजिए, r की जगह 3.5 ÷ 2 रखना है, 3.5 ÷ 2, और ये फर्दर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, है ना, r की जगह हमने ये रखा, अब 2 कैंसल हो गया, तो चलिए इधर आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल रहा है, पाई अभी भी बना रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 ÷ 2 × 3.5 ÷ 2 × ×(2 + 10 + 3.5 ÷ 2), तो चलो बार बार लिखना पड़ रहा है, मुझे लगा था कुछ कैंसल होगा लेकिन लग नहीं रहा है कुछ कैंसल हो रहा है, क्योंकि आप टेम्पटेड हो सकते हैं पाई को 22/7 करने के लिए, ताकि 3.5 थोड़ा कट जाए, लेकिन क्वेश्चन में आपको 3.14 दिया है, तो वही करिए आप 22/7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हमें एग्जैक्ट आंसर लाना है जो बुक में दिया हुआ है 3.5 ÷ 2, और अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपने बच्चों ये गलती कर दी कि उन्होंने 3.14 दिया, तब भी 22/7 करके आए, तो जरूर नंबर काट लेंगे आपके, तो इससे बच के रहिए थोड़ा सा। ओके, तो अब ये आ चुका है यहाँ पे, अच्छा 3.5 ÷ 3 चलना चाहिए यहाँ पे, तो अब 12 × 3 = 36, 36 + 3 = 39, तो ये पूरा हो जाएगा 39.5/3। अब रखिए आप 3.14 × 3.5 × 3.5 × 39.5 ÷ 2 × 2 × 3, तो नीचे भी काफी बड़ा नंबर आ रहा है, 12 आ जा रहा है, और सब कुछ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, आपका आंसर आएगा 126.61 cm³, आंसर आना चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड द वॉल्यूम, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है तो हम गलती नहीं करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians।
A toy is in the shape of right circular cylinder with hemisphere and radius at its end. So radius नहीं है ये यहाँ पर है hemisphere and a cone at its ends. Height and radius of cylinder are 13 centimeter and 5 centimeter. तो height कितनी है 13 centimeter, radius कितना है cylinder का 5 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट एंड ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12. तो ये जो हाइट है ये कितना है 12 है. अब ये 5 दिया हुआ है तो ये भी 5 दिया होगा. ये भी कॉमन रेडियस है जो अपना ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा. इस तरह से हमारा जो टॉय है वो शेप्ड है. अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहां पर स्लैंट हाइट होनी चाहिए. तो बात कर लेते हैं कोन की. रेडियस आर कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है एक तरीके से. हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच कितना है 12 सेंटीमीटर. लेकिन स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है. स्लैंट हाइट एल कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो एल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर. मैंने बताया ही था 5 12 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है. अब हमारे पास रेडियस हाइट और लेंथ तीनों कोन की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. अभी तो सिर्फ कोन हुआ. अब हमारे पास है सिलेंडर. सिलेंडर में क्या क्या है रेडियस वो भी आर ही नोटेशन रखेंगे क्योंकि बराबर है 5 सेंटीमीटर. यहां पर हाइट कैपिटल एच लिखिए अच्छा होगा. ये एच और वो एच अलग अलग दिखे आपके 13 सेंटीमीटर. और कुछ चाहिए नहीं यहां पे. फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास नीचे हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है. हेमिस्फीयर का आपके पास है केवल रेडियस. रेडियस से ही सब कुछ आ जाता है हेमिस्फीयर में. आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों एग्जाम में कि आप कोन का सब कुछ सिलेंडर का सब कुछ और हेमिस्फीयर का सब कुछ लिखें. जिस ऑर्डर में आपने डायग्राम बनाया उसी ऑर्डर में सब कुछ सॉल्व करें. और अच्छा ये होता कि मैं काफी बड़ा डायग्राम बनाता तो हेमिस्फीयर के सामने हेमिस्फीयर सिलेंडर के सामने सिलेंडर और कोन के सामने कोन होता तो और बढ़िया दिखता. ये सब एग्जाम में अगर आप बोर्ड में करते हैं अपनी आदत बनाइए एक्सरसाइज सॉल्व करते समय तो ये आदत बोर्ड एग्जाम तक जाएगी है ना. तो वो मेंटेन करिए. अब आपको सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे आएगा. सरफेस एरिया बल्कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. फिर आगे आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. चलो तो अब सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल और सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर कैपिटल एच. कैपिटल एच हमने इसके लिए लिया है. और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ये सब फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कर्व सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूजन किया या आपने सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम में कंफ्यूजन किया बिल्कुल अलग आपका आंसर आएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा. मार्क्स बहुत तेजी से कटेंगे. तो इसलिए पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं. पाई आर कॉमन है एल प्लस
2H प्लस 2R, है ना, ये सब कॉमन आ जाएगा। पाई की जगह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाइए, थोड़ा बाद में लिखेंगे। पाई 22/7 दिया है इस क्वेश्चन में। R क्या है, R चलो देख लेते हैं, कॉमन रेडियस सबके लिए 5 ही है। L कितना है, L है 13। 2H कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H भी है 13, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r कितना है 5। चलो अभी भी नहीं रख रहा हूं मैं, और 13 इंटू 2 26, 39, और फिर 10 जोड़ेंगे तो 14, ये हुई ना बात, 49 आ गया। अब चलो पाई को अब रख सकते हैं 22/7। तो अच्छी प्रैक्टिस ये इस कैलकुलेशन के बाद आप पाई में यहां जगह छोड़ दीजिए, 5 × 49 लिखिए, तो यहां 22/7 आ, कि जिन क्वेश्चंस में दिया नहीं हुआ है कि 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये 7 आ गया, फिर आपके पास कितना हो गया, 110 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो आपका आंसर हो गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians. The adjoining figure shows a model of a solid with cylinder. Cylinder is surmounted by a hemisphere at one end. एक ही end surmounted है, दूसरा free है. If the model is drawn to scale of 1:200, find the total surface area of solid. Solid मतलब original चीज का निकालना है आपको. In pi मीटर स्क्वायर, मतलब यहां सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, स्केल आपको 1:200 दिया है, तो अब जब आप वॉल्यूम निकालते हैं या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उस केस में बाद में आपको सब कुछ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल के लिए। आपको यहां पे जो शक्ल दिख रही है वो दिख रही है हम मॉडल की, इसीलिए ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, जो ओरिजिनल चीज होगी वो इससे कई गुना बड़ी होगी 1:200 के हिसाब से, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पे फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया है, सेकंड पार्ट में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, इसके तुरंत बाद सेकंड पार्ट भी आएगा। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास जो है मॉडल, उसकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर मॉडल से हम लोग पहुंचेंगे ओरिजिनल में। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर ये स्केल वगैरह आपको परेशान कर रहा है, आपकी बुक में चैप्टर है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में लास्ट एक्सरसाइज में फिर से यही वाले जो स्केल वाले चैप्टर क्वेश्चंस हैं वो वहां पे दिए हुए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करूंगा मैं, और आप देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो यहां पर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, तो मॉडल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr h। उसके बाद नीचे भी कर्व सरफेस एरिया आपको देखना पड़ेगा, जब पेंट करेंगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा, नीचे जो है वो हो जाएगा πr². तो एक तरीके से 2πr² डोम का, ऊपर हेमिस्फीयर का, 2πr h सिलेंडर का, πr² नीचे वाले ढक्कन का। चलिए तो आप सब कुछ ऐड कर लीजिए, ये हो जा रहा है 3πr², क्योंकि 2πr² और ये जोड़ेंगे तो 3πr² हो जाएगा 2πr h। हमें यहां पर मालूम है r = 3 cm, डायग्राम में दिख ही रहा है, h = 8 cm,
तो यानी कि अब हम लोग यहां पर पाई आर कॉमन ले सकते हैं, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ पाई लाना ही है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, वी डोंट नीड टू केयर, 3r और यहां पे आ जा रहा है 2h, तो पाई बना रहने दीजिए, r की जगह रखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 से 9 प्लस 8 इंटू 2 16, सो ये आ गया हमारा 75 पाई। ध्यान रखना है ये आएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पाई मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्केल फैक्टर की थ्योरी देखेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर 1:200 आपको स्केल दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे गिवन स्केल इज 1:200, देयरफॉर के इज इक्वल टू स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 200, जो बड़ी वैल्यू होती है इसमें उसी को हम लोग स्केल फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई लीनियर कन्वर्जन होता है, मान लीजिए कि आपको कोई रोड दी गई है, वो मैप में रोड दिखाई दे रही है, रिवर कोई दिखाई दे रही है, तो ये सारे लीनियर स्ट्रक्चर हैं, तब स्केल फैक्टर होता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर्स में स्केल फैक्टर होता है के। जब आपको पास एरिया होता है, जैसे यहां पे सरफेस एरिया है, तो यानी 2D स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर को आप 1D स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, 1D स्ट्रक्चर मतलब एक ही डायमेंशन, बस नदी है तो भाई लेंथ ही लेंथ समझ में आती है उसमें, और जब आप मैप में बनाते हो तो नदी की जो विड्थ है वो मैटर नहीं करती, हम इतनी विड्थ बनाते हैं कि मैप में बस दिखाई दे, एक्चुअल में हम उसको स्केल से नहीं बनाते। तो 1D अगर कोई चीज 1-डायमेंशनल है यानी लीनियर है तो स्केल फैक्टर के लेते हैं, कोई चीज 2-डायमेंशनल है यानी हम लोग एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो स्केल फैक्टर होता है K2, और कोई चीज 3-डायमेंशनल है मतलब जैसे कि यहां पर है हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो स्केल फैक्टर हम लोग K3 ले रहे हैं। तो आप और अच्छा ऐसा होता इसलिए है कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज की अगर लेंथ नापी जाती है तो उसकी यूनिट होती मीटर, किसी भी चीज का अगर एरिया नापा जाता है तो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, किसी भी चीज का वॉल्यूम नापते हैं तो उसकी यूनिट होती मीटर क्यूब। बस यही लॉजिक याद करके, यही लॉजिक देखकर हम लोग स्केल फैक्टर को यूज करते हैं, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमको पूछा गया है, मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल सॉलिड, एक्चुअल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मॉडल है, हम मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं यानी एक्चुअल सॉलिड की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि जब एरिया है तो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, K2 की तरह यूज होगा मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, एरिया ऑफ द मॉडल, मॉडल का टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल ही चुके हैं। अच्छा के क्या है, 200 है, 200 मल्टीप्लाइड बाय होल स्क्वायर इनटू 75 पाई, लेकिन यार ये तो हम लोगों ने 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लाए हैं, तो ये भी जो आएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के ही टर्म्स में आएगा, बट हमें मीटर स्क्वायर में लाना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 पाई। अब आपका डाउट हो सकता है यार कि डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा, थोड़ा ध्यान दें, तो हमने क्या पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर अलग किया 1/100 लाया, दूसरा सेंटीमीटर अलग किया 1/100 लाया,
तो अब सब कुछ मीटर स्क्वायर में आ चुका होगा। तो यही लॉजिक है यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मतलब जीरोस कैंसल हो गए। सारे जीरोस कैंसल होने के बाद यहाँ पे 2 × 2 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 75 हो गया 300। तो दिस इज 300 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सरफेस एरिया आ चुका है, अगला पार्ट आ रहा है वॉल्यूम वाला। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमएल अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें कि किस किस चैप्टर की प्लेलिस्ट कहां पर है। सब कुछ हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया है जैसा आपकी बुक एमएल अग्रवाल में है। अपनी मर्जी का चैप्टर आप वहां पर क्लिक कर लिए और जो भी प्लेलिस्ट चाहे वो सॉल्व करते जाइए। और एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जो हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एमएल अग्रवाल के अलावा किसी और बुक से है, वो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर्स पर, 3 व्हाट्सएप नंबर्स वहां पे दिए हुए हैं, उन पे अपना क्वेश्चन भेजिए। हम पेन एंड पेपर से सॉल्व करके आपको आंसर रिवर्ट कर देंगे। अगर आपका क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम जरूर वो वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपका नाम और लोकेशन हम मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया ना निकालकर इस बार क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन लीटर्स निकालना। ये भी मतलब एक पार्ट और इन्होंने बढ़ा दिया है यहां पर। पहले हम लोगों ने सरफेस एरिया निकाला, अब हमें निकालना है वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पाई लीटर्स। तो पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है, ये जरूरत है यहां पर। तो हम तो क्या करते थे, स्ट्रेटेजी हमारी थी कि मॉडल का हमने सरफेस एरिया निकाला, फिर उसके बाद एक्चुअल सॉलिड का हमने सरफेस एरिया निकाला। वही स्ट्रेटेजी यहां भी अपनाएंगे, मॉडल का पहले वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, फिर मॉडल से हम लोग एक्चुअल सॉलिड में जाएंगे तो वो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब से, फिर मीटर क्यूब में जाएंगे, मीटर क्यूब से फिर हम लोग लीटर में जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी रहेगी। वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए, टोटल सरफेस एरिया जैसे निकाला था उसी तरह टोटल वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता ही है आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2r/3 आया प्लस एच आया हमारे पास। अब उसके बाद पाई मल्टीप्लाइड बाई आर, हमारे पास कितना है 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 r की जगह फिर 3 रखा, प्लस एच की जगह हमने 8 रख दिया, ये दोनों कैंसल हो गए। तो एक तरीके से हमारे पास बचा पाई मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 स्क्वायर 9 हो गया और 8 और 2 = 10। सो नाउ वी हैव 90 पाई। लेकिन ये वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस में आ रहा होगा, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो ये वॉल्यूम आ रहा है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल सॉलिड के वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल सॉलिड, और वो हमें लीटर्स तक जानना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर हमने क्या माना था, के माना था, के क्यूब होगा क्योंकि अब वॉल्यूम का केस है,
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल। के क्या था? 200 था। यहां से देखिए 200 है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट मतलब 200 का क्यूब इन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आया है? 90 पाई, बट ये आएगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। फिर से वही करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या? 1/100 मीटर ये होता है। तो इसीलिए ये सेंटीमीटर 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 तीन बार टूटेगा और इसके पास जाएगा 200 × 200 × 200 divided by 100 × 90 pi। अब की बार लेकिन हम लोग मीटर क्यूब लिख सकते हैं और ये 2 0 2 0 2 0 सब आपस में कट गए, तो 2 × 2 × 2 = 8। तो ये कितना हो गया? 720 मीटर क्यूब। बट ये भी आंसर हमारा नहीं है, 720 पाई मीटर क्यूब में आ रहा है, आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर किस में लाना है? लीटर में लाना है। तो फिर याद रखिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये भी एक स्टैंडर्ड है, फिजिक्स से आता है ये। तो ये क्या हो जाएगा? 720 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 720 और उसके बाद 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई लीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू आई है, 4 बार 0 लिखे लगे हुए हैं। आप इसको 720,000 पढ़ सकते हैं या 720,000, ये सब तो आता ही है आपको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था बच्चों जहां पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको मेंसुरेशन से मिक्स कराया था। तो दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा।